Hello everyone, me Kanchan. Today again I am here in front of you with new topic or new demonstrations. Look here, maybe have you seen earlier this? I am having some seeds of kidney beans and rice. Today we will discuss about seeds and their germinations. So we are going to discuss our topic reproduction in plants. Like animals, humans, plants also reproduce. What is reproduction? Reproduction is the process by which any living organism, including plants, produces individuals of its own kind. Means apne hi kind ke ko reproduce karna. अपने ही काइंड को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. ऑलमोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, बट सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू डिस्कस रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स. व्हेन अ सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल एंड गेट्स इनफ अमाउंट ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, देन इट ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट. फॉर एग्जाम्पल we are having this seed. अगर हम इस seed को soil में डाल रहे हैं और इसे proper amount में sunlight, air, water मिल रहा है, तभी ही ये new plant में grow करेगा. There are some conditions which are required for the growth of a new plant. Number one, सबसे पहले क्या जरूरी है कि जिस भी seed को हम grow करवाना चाहते हैं, grow करना चाहते हैं new plant में, वो seed healthy होना चाहिए. अगर वो सीड डैमेज है तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा. सेकेंड वन इज, जिस सॉइल में हम उस डाल रहे हैं, जिस भी सॉइल में हम उस सीड को डालने जा रहे हैं, वो सीड, दैट सॉइल शुड बी रिच कंटेंट. एंड अदर वन इज, सीड शुड गेट इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, सनलाइट एंड एयर. अगर उस सीड को प्रॉपर अमाउंट में एयर, सनलाइट, वाटर नहीं मिल रहा, तो भी वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा. नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. हेयर आई एम हैविंग अ सीड. आई एम हैविंग सीड ऑफ किडनी बीन. ये हमारे पास सीड है. इसका जो आउटर कवर हमें दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं सीड कोट. जो आउटर हार्ड कवर है, इसे बोलते हैं सीड कोट. अगर हम इसे कुछ टाइम के लिए वाटर में सॉक करके रखते हैं और फिर हम इसको देखते हैं, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है, जो इसका सीड कोट है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और इजीली हम उसको हैंड से रिमूव कर सकते हैं. जब हम इसे ओपन करके देखते हैं तो इसके अंदर टू लीव्स निकलते हैं, जिन्हें कहते हैं कॉटिलेडन्स. अगर टू कॉटिलेडन्स है तो वो सीड है डायकॉट. अगर कोई ऐसा सीड है जिसको हम ओपन नहीं कर सकते, मीन्स चाहे हमने उसको सोक भी करके रखा है लेकिन फिर भी हम उसको ओपन नहीं कर सकते, मीन्स सिंगल है, लाइक राइस. अगर हम इसे चाहे सोक भी करके रखें लेकिन हम इसको फिर ओपन करके नहीं देख सकते, तो इट मीन्स ये वन कॉटिलेडन है. वन कॉटिलेडन मीन्स मोनोकॉट, और जिसके टू कॉटिलेडन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं डायकॉट सीड्स. नाउ व्हाट इज कॉटिलेडन? कॉटिलेडन्स आर ऑल्सो कॉल्ड सीड लीव्स एंड दे स्टोर न्यू फूड फॉर द प्लांट. दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट एंड फर्स्ट वन वॉज सीड कॉच, सेकेंड वन इज कॉटिलेडन्स एंड थर्ड वन इज एम्ब्रियो. एंड वट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट इन साइड द सीड कोट. सीड कोट के अंदर जो बेबी प्लांट होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियो. माय नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन. जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग. जर्मिनेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जब किसी सीड से सीडलिंग बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन. मींस वो सीड जर्मिनेट हो रहा है, उसकी जो रिक्वायर्ड कंडीशंस थी वो उसे मिली है, तो वो सीड जर्मिनेट हो गया. Now next topic is growing seeds from leaves, stems or roots. First one is growing plants from leaves. कुछ ऐसे plants होते हैं जिनकी leaves पर buds हो, margin पर buds होते हैं. For example bryophyllum, उनके like this is leaf,
यहाँ पर इस मार्जिन पर छोटे छोटे ये बर्ड्स होते हैं, जब ये बर्ड्स सॉइल पर नीचे गिर जाती हैं और उनको वहाँ पर उनकी कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं जो वाटर्स एयर और सनलाइट वाली थी, तब ये बर्ड्स न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। सेकेंड वन इज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। रूट्स फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम उनकी रूट्स से ग्रो करवा सकते हैं, लाइक कैरेट। अब कैरेट को अगर हम उसके टॉप पार्ट को कट कर उसको सॉइल के अंदर डाल दें और उसको प्रॉपर उसकी जो कंडीशंस है उसे कंप्लीट करें, तो फिर वो रूट से न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्टेम्स, लाइक पोटैटो। कुछ ऐसे पोटैटोज होते हैं कि उन्हें कुछ टाइम रखने के बाद उसमें से उसकी आइज निकल आती हैं। अगर उन आइज को कट करके हम सॉइल में डाल दें और उसको प्रॉपर एयर, वाटर और सनलाइट मिले, तो फिर वो स्टेम से, उस आई से वो न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर जाएगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीड डिस्पर्जल। व्हाट इज सीड डिस्पर्जल? सीड डिस्पर्जल इज द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट, मीन्स अपने पेरेंट प्लांट से सीड्स का किसी और प्लेस पर चले जाना, उसे कहते हैं सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल अलग अलग मेथड से हो सकता है। मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्जल्स बाय एयर, एयर से हो सकता है। कुछ सीड्स वेट में बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसके साथ वो सीड्स उड़कर कहीं और चले जाती हैं और वहाँ पर जब उनको वो कंडीशंस उनकी कंप्लीट होती हैं तो वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। सेकेंड वन इज बाय वाटर। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ सीड्स नीचे गिर जाती हैं और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कोकोनट, कि वो वाटर के साथ फ्लो कर जाते हैं और जहाँ जाकर वो रुकते हैं और उनकी वो कंडीशंस जो कंप्लीट हो जाती हैं जो किसी प्लांट सीड को ग्रो करने के लिए चाहिए, तो वो वहाँ पर न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर जाते हैं। थर्ड वन इज बाय एनिमल्स। कुछ एनिमल्स की हेयर होती है या उनकी जो फर होती है उनके साथ वो सीड्स चिपक कर किसी और प्लेस पर जाकर गिर जाती हैं और फिर वहाँ पर उनकी वो जो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं तो वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। लास्ट वन इज बाय फ्रूट एक्सप्लोजन, मींस जब कोई सीड अच्छे से राइप हो जाता है और राइप होने के बाद जब वो ओपन होकर उसमें से उसकी सीड्स नीचे गिर जाते हैं तब और उसको वहीं पर उसकी जो कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। इसका जो एग्जांपल है लाइक पीस और लेडी फिंगर, जब वो अच्छे से राइप होने के बाद वो ओपन हो जाता है उनका और वो उसमें से पीस में से जब वो बाहर निकलकर नीचे गिर जाती हैं तो वो फिर न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप्स और एग्रीकल्चर। व्हाट इज क्रॉप्स? ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स एंड देयर कल्टिवेशन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स, मीन्स कि एक ही जगह पर बहुत लार्ज एरिया में एक ही जगह पर एक ही टाइप के बहुत सारे प्लांट्स लगाना, उसे कहते हैं क्रॉप्स। और उसके लिए जो कुछ प्रैक्टिसेस हमें करनी होती हैं, सबसे पहले ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए जो हमें कुछ प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर वन प्लॉइंग, सीड्स डालने से पहले उस जगह को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसको अच्छे से प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? उसमें प्लॉ करके, हल चलाकर, सबसे पहले उस सॉइल को रेडी करना। सेकंड वन इज एडिंग मैन्योर, उस एरिया में उस सॉइल के अंदर मैन्योर्स ऐड करना ताकि जो उसकी हमें आउटपुट मिले वो अच्छी मिल सके। देन सोइंग सीड्स, उसके बाद उसमें सीड्स डालना और सीड्स डालते टाइम ये हमें ध्यान रहे कि जो सीड हम डालने जा रहे हैं वो सीड्स हेल्दी हो। इरिगेशन, उसके अंदर टाइम टू टाइम हमें इरिगेट करना, उसको उसके अंदर वाटर डालना जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हर सीड की, हर प्लांट के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देन एडिंग फर्टिलाइजर्स, अगर हमें रिक्वायरमेंट है उसमें फर्टिलाइजर्स डालने की ताकि उन्हें कोई डिसीज़ नहीं हुआ हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं जिस चीज़ की उसके अंदर ज़रूरत होती है। देन कल्टीवेशन, अगर हमारी क्रॉप, उसके बाद हमारी क्रॉप्स रेडी हो गई हैं तो फिर उसको कल्टीवेट करना, कल्टीवेट करने के बाद उसकी स्टोरेज,
कि उसको ऐसी जगह पर स्टोर किया जाए कि जो एरिया ड्राई हो, ऐसा नहीं कि जहाँ हम उसको जिस जगह पे स्टोर करने जा रहे हैं वो वेट प्लेस हो। अगर वेट प्लेस होगा तो भी वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होने का हमें डर रहेगा, उस वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट आ सके, ऐसी जगह पे उसको स्टोर करना चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन, उसे सेल करने के लिए जिस भी मार्केट में हमें भेजना है उसे लॉड करके उसको भेज देना। दीज वर द प्रैक्टिसेस जो हमें माइंड में रखनी चाहिए जब भी हम किसी भी क्रॉप की एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स मीन्स अपनी क्रॉप्स को बचाना। फर्स्ट वन इज़ कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हमारी क्रॉप्स को ख़राब ना कर सकें। सेकेंड वन इज़ जो इंसेक्ट्स हैं, कोई ऐसी डिसीज़ किसी प्लांट को ना हो जाए जिससे कि हमारे बाकी प्लांट्स भी ख़राब हो जाएं। थर्ड वन इज़ समटाइम्स क्या होता है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, तो हमें टाइम रहते उन प्लांट्स को भी रिमूव कर देना चाहिए ताकि हमारे वो प्लांट अच्छे और हेल्दी ग्रो कर सकें।